Hey guys, welcome back to my channel with the new recipe of dark chocolate walnut and dates bar. तो यहाँ मैंने सबसे पहले लिए हैं almonds, इसे आपने dry roast करना है, मुट्ठी भर जितने मैंने लिए हैं। और यहाँ पे आमनस जो है वो ड्राई रोस्ट हो चुके हैं इसे ठंडा कर लेंगे और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे चॉपर में आप फूड प्रोसेसर किसी में भी इसको बना सकते हो मैंने यहाँ पे एक कप जो है वॉलनट लिए हैं अखरोट लिए हैं अभी इसमें मैं मुट्ठी भर जो आपने देखा है मैंने आमनस को ड्राई रोस्ट किया है वो इसमें ऐड कर दूंगी और फिर इसमें हमने ऐड करनी है डेट्स खजूर जो खजूर है वो आ, अखरोट और बादाम को मिला के जितना बनता है उसका डबल आपको खजूर इसमें डालनी है खजूर आप पहले चॉप कर लें, फिर उसको पीसने में आपको बहुत आसानी होगी तो एक बार मैं इसे इस तरीके से चला लेती हूं और उसके बाद में इसमें ऐड करूंगी पीनट बटर तो मैंने एक बार चॉपर में इसे घुमा लिया है और अभी मैं इसमें पीनट बटर ऐड कर रही हूँ तो आप चार चम्मच लगा सकते हो क्योंकि मैंने दो चम्मच दिखाए हैं और ये काफ़ी भर के मैंने इसमें डाला है तो चार चम्मच मैंने इसमें ऐड करे हैं और अगर आपको लगे ज़्यादा डालने की ज़रूरत है तो आप और इसमें ऐड कर सकते हो क्योंकि जो मिक्सचर है हमारा वो अच्छे से जुड़ा हुआ होना चाहिए तो डेट्स भी आपने डबल क्वांटिटी में ऐड करनी है और पीनट बटर भी आपने इसमें अच्छे से डालना है ताकि जो मिक्सचर है वो अच्छे से इकट्ठा हो सके तो उस ये मिक्सचर जो है अच्छे से ग्राइंड हो चुका है तो अभी मैं इसे बटर पेपर पे पूरा स्क्वायर शेप में इसे बना लूंगी सेट कर लूंगी तो मैं बार्स बना रही हूँ इसलिए मैं इसे इस तरीके से सेट कर रही हूं ताकि मैं इसके पीसेस कट कर सकूँ लेकिन आप एनर्जी बॉल्स भी बना सकते हो वॉलनट बॉल्स बना सकते हो आप राउंड शेप दे दो इसे बाइट साइज में बना लो और फिर उसे चॉकलेट में डिप कर सकते हो बहुत इजी रहेगा वो अगर आप बॉल्स बना रहे हो बार्स बनाने के बाद उससे कट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसलिए इसका मिक्सचर बहुत अच्छे से इकट्ठा होना चाहिए इसलिए बटर आपने इसमें अच्छे से ऐड करना है लेकिन अगर आप बॉल्स बना रहे हो तो उसमें कम बटर भी चल जाएगा तो उसे मैंने पूरा अच्छे से सेट से करके बटर पेपर पे फ्रीजर फ्रिज में रख दिया नॉट इन फ्रीजर फ्रिज में रख दिया है आधे घंटे के लिए आप रख दो ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए उसके बाद मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट ली है जिसे मैंने डबल बॉयलर की हेल्प से मेल्ट कर लिया है तो ये वाला जो हमारा वॉलनट का मिक्सचर है वो अच्छे से सेट हो चुका है अभी मैं इसे हाफ में कट कर लूँगी तो मेरे पास ये ब्रेड लोफ बनाने वाला टिन है इसमें मैं बटर पेपर लगाऊंगी ताकि जब हम बार्स बनाने के लिए इसे सेट करने के लिए रख देंगे तो उसे निकालना हमें ईजी रहेगा तो बटर पेपर मैंने कुछ इस तरीके से लगा दिया है इसमें और अभी हम जो ये हमारा वॉलनट वाला है वो आधा पीस इसमें लगा देंगे रख देंगे सेट कर लेंगे और इसके ऊपर हम अभी लगाएंगे डार्क चॉकलेट बहुत एक पतली सी लेयर में लगाने वाली हूँ चॉकलेट को मेल्ट करते समय मैंने उसमें एक चम्मच देसी घी ऐड किया था ताकि उसमें एक अच्छे से शाइन आए आप चाहे तो उसमें बटर भी ऐड कर सकते हो या फिर कोकोनट ऑयल भी उसमें ऐड कर सकते हो घी डालने से ऐसा नहीं है कि घी का टेस्ट चॉकलेट खाते समय आएगा नहीं बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि हमने इसमें घी ऐड किया है जैसे हम बटर मेल्ट कर, डालते हैं चॉकलेट में जब मेल्ट करते हैं उसको ठीक उसी तरीके से घी आप ऐड कर सकते हो बिल्कुल नहीं पता चलता और पूरी तरीके से घी वाली जो हमारी रेसिपी है वो हेल्दी रहेगी बटर डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हो अदरवाइज आप कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हो तो इसे मैंने पांच मिनट के लिए फ्रिज में रखा था सेट करने के लिए बहुत जल्दी चॉकलेट जो है वो जम जाती है क्योंकि जो हमारा वॉलनट वाला पीसेस है इसमें हमने कट करके लगाए हैं हमने ऑलरेडी उन्हें ठंडा करा हुआ है तो ठंडी चीज़ पे जब भी आप चॉकलेट डालते हो तो वो साथ साथ में ही सेट हो जाती है तो पाँच मिनट मुश्किल से लगेंगे और सेकेंड टाइम जब आप वॉलनट वाला ये वाला पीस आप इस पर लगा रहे हो इसके ऊपर जब अभी आप चॉकलेट लगाओगे ना तो वो साथ में ही सेट हो जाएगी तो आप जल्दी से इस पर पूरा अच्छे से स्प्रेड कर दें उसके बाद अगर आपको इस, इसे गार्निश करना है वॉलनट्स के साथ या पीनट्स के साथ या फिर आ, कोई भी चीज़ आपको ऊपर लगानी है तो वो आपको बहुत जल्दी लगानी पड़ेगी अदरवाइज जो चॉकलेट है वो बहुत जल्दी इस पर जम जाएगी तो मैं इसे गार्निश करने वाली हूं डेसिकेटेड कोकोनट के साथ अब पहले डिसाइड कर लें आप किस पैटर्न में पीसेस को कट कर रहे हो आप स्क्वायर शेप में रख रहे हो या फिर बार्स शेप में इसे कट uh, करने वाले हो तो उसी हिसाब से आप इसे गार्निश कर सकते हो मैं सेंटर में डेसिकेटेड कोकोनट इसमें डाल रही हूँ ताकि जब मैं इसके पीसेस कट करूँ तो वो दोनों पीसेस के ऊपर आ जाए और इसके ऊपर मैंने कुछ इस तरीके से पैटर्न बनाया है चॉकलेट के साथ ये ब्राउन ही इसके ऊपर होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैंने इस पर भी बनाया है जब हम पीसेस कट करेंगे तब आप देखना है तो काफ़ी अच्छा लगता है और इसका टेस्ट अमेजिंगली बहुत डिलीशियस होता है आप जरूर इस रेसिपी को बना के देखना काफ़ी हेल्दी है और अगर आप यू you नो know, वो हंगर पैंक्स के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जब आप कुछ हेल्दी खाना चाहते हो और आपको क्रेविंग्स होती है मीठा खाने की तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आप जरूर ये रेसिपी बना के देखना आप जैसे मैंने पहले बोला इजी रखना चाहते हो तो आप बॉल्स बना सकते हो वो काफ़ी इजी रहेंगी बनाना तो ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करना और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग